मेरे हाथों में था उसका हाथी, चाशनी सी हर उसकी बात। मायरी आप ही हंसदी, मायरी आप ही रोंदी। हंसती भी खुद ही है, रोती भी खुद है, शी इज बाइपोलर। मायरी याद वो, याद वो आयरी, गल्ला कर दी मायरी, अखा नाल लड़ दी मायरी, याद वो, याद वो आयरी। हुण की करा, अभी अभी पहले उसने लिखा था हुण की करा, मैंने उसको कर दिया अब क्या करूं, कहां से कहूं ए मायरी, अब क्या करूं कहां से कहूं ए मायरी। एक तो कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी कॉन्सर्ट खत्म करके आता हूँ, मैं अपने घर वालों को एक मैसेज भेजता हूँ, तोड़ फोड़ दिया तो I'm good, I'm very very happy, I'm here. Hi guys, I'm Dr. Palash Sen from the band Euphoria. You're watching me on Mashable Tod 4. It's sometime in 1999, okay? And it's just a night. मैं सो रहा हूँ और सोते सोते मेरे दिमाग में एक धुन चल रही है, which is going like Narana Narana Mayri. This going on in my head and मैं ना उठ गया, मैं उठ के सोच रहा हूँ ये क्या गाना था, मैंने तो कभी ये गाना सुना नहीं है और ये क्या गाना है, तो it's a tune that's coming to me. तो मैंने अपने दोस्त जयदीप सानी को फोन किया, जयदीप सानी अब he's renowned writer, मैंने उसको फोन किया, he was a very good friend of mine because we used to do all the ads together, हम लोग साथ करते थे, because मैं गाता था वो लिखता था, मैं उसको फोन किया, मैंने कहा जयदीप ये धुन है, कहता है सुनाओ, मैं सुनाई उसको धुन, कहता है ये धुन तो बहुत अच्छी है बट आप ये मायरी मायरी क्यों बोल रहे हो, मैं कहा मेरे दिमाग में ये वर्ड आता जा रहा है मायरी मायरी, इट्स जस्ट कमिंग टू मी एंड वॉज कमिंग टू मी कंटिन्यूसली, मतलब इट वॉज कमिंग टू मी बार बार, तो मैंने उसको जयदीप को बोला ये वर्ड आ रहा है मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है बट मायरी का मतलब होता है बा, कहता अच्छा मैं कुछ लिखता हूँ, तो उससे एक ड्राफ्ट लिखा गाने का और जो पहला ड्राफ्ट था इट वॉज अबाउट अ सोल्जर डाइंग इन द बैटलफील्ड अपनी माँ की गोद में एंड इट वॉज वेरी वेरी प्योर पंजाबी, यू नो बिकॉज मैंने उसको बोला था कि मुझे मतलब डोगरी पंजाबी ऐसी कुछ चाहिए, माँ मेरी डोगरी है तो डोगरी पंजाबी कुछ चाहिए, ही रोट इट एंड देन आई टोल्ड हिम यार मैं तो यार रोमांटिक इंसान हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ, ये तो बहुत ही ग्रिम है, कहता है वो ग्रिम नहीं है, मैं कहता नहीं उसके अंदर ये ग्रिमनेस है कि लड़की मुझे छोड़ के चली गई, यार तू मौत की बात कर रहा है यार, मैं इसको नहीं हैंडल कर सकता, राइट अबाउट द गर्ल हु लेफ्ट मी एंड वेंट एंड आई एम टेलिंग द स्टोरी टू माय मॉम, एक्चुअली लोगों को लगता है कि जो गाना है इट इज एड्रेस टू अ गर्ल कॉल्ड मायरी, इट इज नॉट, इट इज एड्रेस टू माय मदर, आई एम टेलिंग हर अबाउट सम गर्ल हु लेफ्ट मी एंड वेंट, तो उसने क्या किया पंजाबी पार्ट्स लिखे और मैंने हिंदी पार्ट्स लिखे एंड इट वाज अ सॉन्ग, बट मुझे अभी तक पहली लाइन याद है, खड़ जा बांके सिपाहिया हो, दिस वाज द ओपनिंग ऑफ दिस थिंग, बिगिनिंग ऑफ द सॉन्ग द वे आई लुक्ड एट इट वाज कि मैं पहले एक प्रिल्यूड दे रहा हूँ गाने को, सो यू नो तेरिया मेरिया भूल गया, सो बेसिकली पंजाबी में जो जयदीप कहना चाह रहा था कि मैं हम ना हमेशा लड़ाई करते हैं कि मेरा क्या है तेरा क्या है, यू नो मेरे पास क्या है, मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या पाया, मैं जीत गया, मैं हार गया, हम इसी के बारे में सोचते हैं, इट्स लाइक अ थॉट, सो इट्स अ प्रिल्यूड टू द सॉन्ग, मैं मोस्टली अपने गानों को थोड़ा सा सॉफ्टली शुरू करता हूँ बिकॉज लास्ट में मैं चलाने वाला हूँ, तो पहले पीपल शुड गो थ्रू दैट इंटायर राइड, स्मॉल रिफ, और ये मैंने ही बनाई थी और पूरा अगर आप देखोगे वर्स पूरा का पूरा इसके ऊपर चल रहा है और कुछ है ही नहीं, और ये तीन कॉर्ड है तो इस गाने में एक्चुअली चार कॉर्ड है, वो भी मैंने इसलिए डाला था कि मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, मैं कहा चलो, सो बेसिकली दीज आर कॉर्ड ई डी ए, बीच में बस ना 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 बी डी ए और उसके बाद एक आता है एक अचानक मैंने एक सी डाल दिया ना 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 ना, मुझे हमेशा लगता है कि जितने कम कॉर्ड्स होंगे ना उतना इंसान का दिमाग कम भटकता है, मेरे हाथों में, लेकिन हमारे देश में ना हिंदी म्यूजिक में हार्मनीज होती नहीं, यूफोरिया वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग इन हार्मनीज एंड हमने इसमें भी बहुत सारी की,
बहुत ही स्ट्रिप्ट, बहुत ही बेयर मिनिमम गाना है, बिकॉज मुझे अरेंजमेंट ही ऐसे अच्छे लगते थे जहाँ पे एक गिटार बज रही है, तबला ढोलक बज रहा है, और वो तबला ढोलक का भी एक्चुअली ठेका बज रहा है, बीच में एक फ्लूट आती है जो प्लेइंग इन द स्टाइल ऑफ अलगोजा, जो कि पंजाब में है, जो दो नाली वाली फ्लूट होती है वो है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो बेस प्लेयर है ही इज एक्चुअली प्लेइंग वेस्टर्न रिदम, धुम टाक टाक, सो दैट इज गोइंग ऑन, देयर इज नो कीबोर्ड इन द सॉन्ग, there's no other melody instrument in the song, everything is the voice aur uske sath the harmonies. ab kya karu kaise, like the thought ki main kya karu, main abin wo to chali gayi, ab main apni maa se puchu ab main kya karu, ab main kisse kahun, amiri ye kahani thi meri aur ye kahani main aapko bata raha hu but aur kisi ko main bata nahi sakta aur wo to chali gayi, so hatash giving up, surrender to the wishes of God. So, अब क्या करूँ कैसे कहूँ ये मायरी. So इसका नाम गुज़ेल किस इसलिए क्योंकि टर्किश में इसका मतलब होता है a beautiful girl. It started with a song and I just thought कि मैं जो गाना लिख रहा हूँ इसके आसपास, क्योंकि हमारे सारे वीडियो एक्चुअली कहानियाँ ही होती हैं बट 5 मिनट की होती हैं. दिस टाइम आई थॉट कि नहीं 5 मिनट की नहीं करते, 20 मिनट की करते थे. सो वी वेंट टू टर्की, शॉट इट ऑन लोकेशन, एवरीबडी शुड वॉच इट, इज ब्यूटीफुल, इज डिफरेंट इफ नथिंग एल्स, अब कमाल की नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट इट्स एन इमोशनल फिल्म, इट्स अ लविंग फिल्म, इट्स अ फिल्म अबाउट लव, आई कॉल इट अ सुपर नेचुरल मोमेंट ऑफ लव. सो प्लीज कम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूफोरिया, इट्स कॉल्ड यूफोरिया, यूफोरिया बैंड YouTube, आप आइए यहाँ पे है, एंड वी आर द फर्स्ट आर्टिस्ट आई थिंक इन द वर्ल्ड जिसने इस तरह की एक शॉर्ट फिल्म अपने आप अपने चैनल पर रिलीज की है. सो इफ नथिंग एल्स सपोर्ट अस, हम लोग हमेशा आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही जिंदा है, यहाँ है, गिव अस योर सपोर्ट, गिव अस योर लव.